पंचायत चुनावों के तीसरे चरण को लेकर कर्मचारियों की रिहर्सल का कार्यक्रम बाल स्कूल में किया गया, जिसमें कर्मचारियों को मतगणना से संबंधित और चुनाव प्रक्रिया को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कर्मचारियों को चुनाव में ड्यूटी करने को लेकर पूरी जानकारी दी गई। कोविड-19 के चलते सभी एहतियात बरतने की भी नसीहत दी गई। प्रशिक्षण के बाद कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए रवाना किया गया। वहीं हमीरपुर के तहसीलदार अशोक पठानिया ने बताया कि हमीरपुर में पंचायत समिति की 15 वार्ड हैं। इन वार्डों की मतगणना के लिए प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति में इस बार बैलेट बॉक्स के माध्यम से मतदान करवाए गए हैं, जो कि हमीरपुर में स्ट्रांग रूम में पहुंचाए गए हैं, और 22 जनवरी को मतगणना केंद्र पहुंचाए जाएंगे, वो मतगणना की जाएगी। विकासखंड हमीरपुर की पंचायत समिति के निर्वाचन से संबंधित कर्मचारियों जो मतगणना में कर्मचारी लगाए गए हैं, उनकी रिहर्सल आज स्कूल के हॉल में करवाई जा रही है। इसमें कर्मचारियों को मतगणना से संबंधित प्रशिक्षित किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों द्वारा मतगणना के दौरान क्या क्या सावधानियां बरती जानी है, उसमें सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवाया जा रहा है। पंचायत समिति और जिला परिषद के जो दो वार्ड हमीरपुर विकासखंड के अंतर्गत आते हैं, उनकी मतगणना 22 तारीख को स्कूल के हॉल में करवाई जा रही है। इसके संबंधित सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पास विकासखंड हमीरपुर में 15 वार्ड हैं, पंचायत समिति हमीरपुर में 15 वार्ड हैं, तो हमने 15 टेबल्स की व्यवस्था की है। हर एक टेबल के ऊपर एक वार्ड का जो मतगणना है वो की जाएगी। तो आशा ये है कि दोपहर 2 बजे तक सभी वार्डों का, जो 15 वार्ड हैं पंचायत समिति हमीरपुर से संबंधित, 2 बजे तक परिणाम आने की उम्मीद है, और उसके पश्चात जिला परिषद के वार्डों की मतगणना की जाएगी। इस बार जो मतदान, जो पंचायत समिति और जो पंचायतों में मतदान इस बार हुआ है, वो बैलेट बॉक्सेस के माध्यम से किया गया है। तो बैलेट बॉक्सेस स्ट्रांग रूम में पहुँचा दिए गए हैं, और 22 तारीख को सुबह 8 बजे बैलेट बॉक्सेस को मतगणना कक्ष में पहुँचाया जाएगा और मतगणना शुरू करवाई जाएगी।